अगर आप सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आपके मोबाइल पर आने वाली कॉल और एसएमएस को अपने इस मीटर पर देखना चाहते हैं, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, पहले इसमें डिजिटल मीटर नहीं आता था, लेकिन अब इसमें आने लगा है और ये फुली डिजिटल मीटर है जो आपको स्प्लेंडर में मिलता है। और जैसे स्प्लेंडर में मैंने कनेक्ट करके आपको दिखाया था, सेम टू सेम वही प्रोसीजर इसमें है। लेकिन अब सुपर स्प्लेंडर के ग्राहक देखना चाहेंगे कि उनकी बाइक कैसे कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने इसको ऑन कर लिया है, और एक बार मैं इसको ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये मोबाइल मेरा बार बार गिरता है, ये स्विच ऑफ स्विच ऑन। आप देखेंगे यहाँ पर ब्लूटूथ और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले मैं लॉक खोल लेता हूँ। लॉक खोलने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा और आपको हीरो राइड गाइड ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा। कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है कि आपको परमिशन के लिए ये कहे कि आप सेटिंग में जाकर इसकी परमिशन को इनेबल करिए, तो आपको सेटिंग में जाना होगा और ऐप परमिशन को सर्च करना होगा, फिर उसके बाद परमिशन आप इसको दे देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे एक्सट्रीम 200 और ये एक्सपल्स ग्लैमर मास्ट्रो एच 125 मास्ट्रो एच और यहाँ पर डैश, यहाँ पर ये प्लेजर FI डेस्टनी और पैशन एक्सटेक स्प्लेंडर एक्सटेक और स्प्लेंडर प्रो और ये पैशन प्रो एक्सटेक। और यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे जैसे जूम, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही मैंने इनेबल किया तो ये कह रहा है कि भैया गो टू ऐप सेटिंग। अब मैं ऐप सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पर सब कुछ मैंने अलाउ कर रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया जावा, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं। अब इतना महंगा मोबाइल लेने के बाद भी फोकस नहीं कर पाता है, आप देख लें। इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, अब यहाँ पर इंटर बाइक नेम, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ एस रख के और कनेक्ट कर देता हूँ। और ये देखिए अब ये कनेक्ट हो गया है। अब पिन, अब इसमें पिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिन आएगी 167426 और 167426 पेयर हुआ कि नहीं हुआ। हीरो राइड गाइड यहाँ से मैं परमिशन अलाउ कर देता हूँ। अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इंटर बाइक नेम कुछ भी रख देता हूँ, ई रख देता हूँ, और ये कनेक्ट, देखते हैं हो गया कि नहीं हो गया। अब पिन डालना है 620 496 यार, हाँ तो 620 और 400, ये देखिए अब कनेक्ट हो चुका है। अभी अब फ़ोन कहता हूँ करने के लिए, अब देखिए अभी इस पर कॉल आएगी और मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखिए कॉल आ रही है, यहाँ पर ये राहुल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी राहुल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये राहुल लिखा हुआ है। तो ऐसे ही कॉल आएगी और ये बैटरी का स्टेटस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ ये आएगी। अब मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, सुनो हेलो, एक बार मिस कॉल करके छोड़ दो और उसके बाद जो है मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, नहीं टेक्स्ट मैसेज करना, टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, जल्दी। और अगर अभी आप देखेंगे इसमें जैसे मिस कॉल आएगी तो वो भी जो है आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैं जैसे इधर दिखाता हूँ, अभी जैसे इधर आएगी ये आप देख ले रहे हैं, अभी मिस कॉल हो जाएगी, ये मिस कॉल हो जाएगी, यहाँ पर मिस कॉल बन चुकी है, यहाँ पर आप देखेंगे मिस कॉल बन चुकी है। तो जैसे ही SMS आएगा, कोई भी मैसेज आएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई फ़ोन आया था और फ़ोन मैं नहीं उठा पाया और मिस कॉल हो गई है। तो ये चीज़ आप इस बाइक से फ़ायदा ले सकते हैं। और बाकी अगर टेक्स्ट मैसेज आएगा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि राहुल भाई अभी हमारे साथ हैं नहीं। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अपनी सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यही दिखाना चाहा और सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखाई। आप यहाँ पर देखेंगे सब कुछ आपको, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। तो अब आप लोग बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।